नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टप्पर्स की स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग CHSL प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपके आने वाले CHSL एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये 25 क्वेश्चंस। ओके, और इसका जो PDF का लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ एलुवियल सॉयल, दे फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ व्हिच थ्री रिवर्स। यानी कि भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं, वो किन तीन नदियों के परस्पर क्रिया से बने हैं। तो इसका सही उत्तर है इंदौस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदी से वो बने हैं ये एलुवियल सॉयल। ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोप, रेयन, पेपर, एक्सप्लोसिव्स, डाइस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। साबुन, रेयन, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है NaOH। NaOH का यूज किया जाता है साबुन, रेयन, पेपर, एक्सप्लोसिव, डाइज और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बनाने के लिए। ओके, तो इसका राइट आंसर है NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित भीमसेन गोराचार्य जोशी HN इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट बॉर्न इन। पंडित भीमसेन गुरुचार्य जोशी एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं, वो कहाँ पैदा हुए थे। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी, जो कि एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे, वो कर्नाटक राज्य में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच रेड ऑरेंज पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स एंड फ्रूट्स स्पेशली कैरट्स एंड कलरफुल वेजिटेबल्स एक्ट्स एज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट कैन बेनिफिट आवर ब्रेन, स्किन, लंग्स एंड आई हेल्थ। यानी कि पौधों और फलों, विशेष रूप से गाजर और रंगीन सब्जियों में पाया जाने वाला कौन सा लाल नारंगी वर्णक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, जो हमारे मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़ा और आँखों के स्वास्थ्य के लिए लाभ पहुंचा सकता है। ओके, लाभदायक है। तो इसका राइट आंसर है बीटा कैरोटीन। ओके, बीटा कैरोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेटिंग फॉर ए वीजा इज एन ऑटोबायोग्राफल और ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडिया। वीजा के लिए प्रतीक्षा। ओके, ये हिंदी नाम मत ये याद रखना। ओके, क्योंकि ये जो वेटिंग फॉर ए वीजा, ये पूरा नाम है। ओके, पूरा नाम यानी कि राइट नेम है उस बुक का। ओके, और ये ट्रांसलेटेड नेम है। तो वेटिंग फॉर ए वीजा भारत के निम्नलिखित नेताओं में से किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर है B.R. अंबेडकर। B.R. अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफिकल वर्क वेटिंग फॉर ए वीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हलीम खान इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस। हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से हलीम खान ये जुड़े हैं। ओके, और हलीम खान आंध्र प्रदेश से बिलोंग्स करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टेस्ट इज यूज्ड वेयर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम द कोवेलेंट फॉर्म इनटू एन आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विथ सोडियम मेटल। यानी कि किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है जहां यौगिक में मौजूद तत्वों को
सोडियम धातु के साथ मिश्रण को फ्यूज करके सहसंयोजक रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है लेसिंग टेस्ट। लेसिंग टेस्ट में ये किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ, यानी कि लोक लेखा समिति के सदस्यों के निम्नलिखित अवधि के लिए कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2-1 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु मकर ध्वज दरोगा वॉज कन्फेयर द पद्म श्री अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू व्हिच फॉर्म ऑफ डांस इन इंडिया। गुरु मकर ध्वज दरोगा को भारत में नृत्य के किस रूप में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है छऊ नृत्य से। ओके, छऊ नृत्य के लिए गुरु मकर ध्वज दरोगा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ये गुरु मकर ध्वज दरोगा जो है ये शैला से इनको किया गया था सम्मानित। ओके, शैला के लिए पद्मश्री अवार्ड में सम्मानित किया गया था, छऊ नहीं है। ओके, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इंग्लिश इकोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव शेप ऑफ द फूड वेब व्हिच ही कॉल्ड द पिरामिड ऑफ नंबर्स, यानी कि किस अंग्रेजी पारिस्थितिकी विद ने खाद्य वेब की विशिष्ट आकार का वर्णन किया था जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था। तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन जो थे, इन्होंने पहली बार फूड की जो पिरामिड, फूड वेब की जो पिरामिड थी, जो ऐसे होता ना पिरामिड, उसको इन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया था। ओके, डिस्क्राइब किया था। तो राइट आंसर है चार्ल्स एल्टन, इसको एल्टन पिरामिड भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द पर्सनालिटीज हैज रिटन द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, किस व्यक्तित्व में से किसने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। तो इसका सही उत्तर है, और काफ़ी आसान सवाल था ये, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम सॉन्ग, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है, उसको लिखा था। ओके, और ये उनके आनंद मठ से लिया गया था। ओके, उनका जो पुस्तक था आनंद मठ, उसी से वंदे मातरम सॉन्ग को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हेल्प्स टू ट्रैप लाइट एनर्जी दैट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि उस तत्व की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को फंसाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है कैरोटीनॉइड। राइट आंसर है कैरोटीनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अमिताभ घोष, निम्नलिखित में से कौन सा अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखा गया। तो इसका राइट आंसर है ए स्वीटेबल बॉय। ए स्वीटेबल बॉय अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी तीनों द सर्किल ऑफ रीजन, सी ऑफ पॉपीज, द शैडो लाइन्स, ये तीनों अमिताभ घोष की रिटन पुस्तक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनी विलेज इन गढ़वाल वॉज नोन फॉर व्हाट एनवायरमेंट मूवमेंट इन 1970, यानी कि गढ़वाल का रेनी गांव 1970 में किस पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो कि रेनी विलेज, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की रेनी विलेज में 1970 में हुआ था। ओके, और ये गढ़वाल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द रिसिपियंट ऑफ 2021 अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड,
अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर है अपर्णा सतीशन है। ओके, अपर्णा सतीशन ने 2021 का अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज विजिबल एज ईदर क्लस्टर और सिंगल स्मॉल डॉट्स दैट फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। यानी कि इलेक्ट्रॉन के माइक्रोस्कोप के तह में कौन सा सेल ऑर्गेनेल या तो क्लस्टर या एक एकल छोटे डॉट्स के रूप में दिखाई देता है जो साइटोप्लाज्मा में स्वतंत्र रूप से तैरता है? तो इसका सही उत्तर है राइबोसोम। सही उत्तर है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इक्विपमेंट बोल्ट इज यूज्ड इन व्हिच स्पोर्ट? उपकरण बोल्ट का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग में इक्विपमेंट बोल्ट का यूज किया जाता है, यानी कि पर्वतारोही जो होते हैं वो बोल्ट इक्विपमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फर्स्ट एवर ग्रामी अवार्ड विनर फ्रॉम इंडिया? भारत से पहले ग्रामी पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर पहले भारतीय हैं जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमंग द फॉलोइंग फाइटर्स ऑफ इंडिया हुज ऑटोबायोग्राफी इज व्हाई आई एम एन एथिस्ट? भारत के निम्नलिखित सेनानियों में से किसकी आत्मकथा व्हाई आई एम एन एथिस्ट? तो इसका सही उत्तर है भगत सिंह। भगत सिंह का आत्मकथा है व्हाई एम आई एन एथिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री अवार्डी गुरु अमोबी सिंह वॉज कन्फेयर द अवार्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन व्हिच ऑफ द डांस? पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु अमोबी सिंह को किस नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर है इसका कथक। कथक के लिए इनको सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट ट्रेन इन क्लासिकल म्यूजिक अंडर हर फादर उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान एंड एस्टेब्लिश द मैहर सैनिया घराना विथ हिज हेल्प? यानी कि जो अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के तहत शास्त्रीय संगीत में पहली बार प्रशिक्षित था और उनकी मदद से मेहर सैनिया घरान की स्थापना की, तो उसका नाम है अन्नपूर्णा देवी। ओके, राइट आंसर है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड इन ए सिंगल डे हेल्ड बाय एन इंडियन सिंगर, हाउ मेनी सॉन्ग्स इन ए डे वर रिकॉर्डेड? यानी कि एक भारतीय गायक द्वारा एक दिन में रिकॉर्ड किए गए गीतों की सबसे अधिक संख्या के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। एक दिन में कितने गाने रिकॉर्ड किए गए थे? तो वो राइट आंसर है 28 सॉन्ग्स, यानी कि एक दिन में 28 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए थे और सिंगर का नाम था कुमार सानू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव? निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2022? निम्नलिखित में व्यक्तित्वों में से किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है अपर्णा सतीशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हिच ग्रुप इज ऑन द सेकेंड कॉलम फ्रॉम द राइट इन द पीरियोडिक टेबल एंड कंटेंस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टास्टाइन और टेनेसाइन। यानी कि आवर्त सारणी में दाईं ओर से दूसरे स्तंभ पर कौन सा समूह है और इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन और टेनेसिन शामिल है। तो सही उत्तर है ग्रुप 17। राइट आंसर है ग्रुप 17।